अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि अला नेमतिल इस्लामि व कफा बिहा नेमा। आप लोगों को खुश आमदेद। आज हम सूरह अनआम की जो आयत है 38 से शुरू करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अम्सालुकुम मा फर्रतना फिल किताब मिन शैइन थुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून। ऑल द क्रीचर्स दैट क्रॉल ऑन द अर्थ एंड दोज दैट फ्लाई विद देयर विंग्स आर कम्युनिटीज लाइक योर सेल्फ। वी हैव मिस्ड नथिंग आउट ऑफ रिकॉर्ड। इन द एंड दे विल ऑल बी गैदर्ड टू देयर रब। तो इस आयत में कुरान जो है वो हमें एक इन्वाइट करता है, एक दावा देता है कि भाई तुम अपने इर्द गिर्द देखो, इन परिंदों को देखो, इन कीड़ों को देखो, इन यानी कि मक्खियों को देखो, कि उनके अंदर भी जो है कोई तंजीम है। दे ऑल्सो हैव ए ऑर्गेनाइजेशन। उनके भी कोई कवायद हैं, उनके कोई उसूल हैं, रेगुलेशंस हैं, बड़ा डिसिप्लिन है उनका, कैसे टीम वर्क के साथ काम करते हैं। तो ये उनको किसने ये रास्ता बताया, यानी कि इन सारे चरंद परिंदों को उनकी शरीयत उनको किसने समझाई? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई खालिक ना हो जिसने इनको भी बनाया हो और इनके अंदर ये तमाम कवायद और तंजीम जो वो डाली हो? तो ये भी एक कबीला है, जैसे कि इंसान एक कबीला है, इसी तरीके से ये भी जो है जानवर जो हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, परिंदे हैं और मक्खियां हैं और कीड़े हैं, इनकी भी कम्युनिटीज़ हैं। इसमें हर एक का एक एक रोल है। तो कुरान क्या इन्वाइट कर रहा है? कि भाई गौर करो इसके ऊपर कि ये बेशुमार निशानियाँ अल्लाह ताला ने हमारे इर्द गिर्द रखी हुई हैं। तो इंसान जो है वो इन्हीं के जो है पता लगा सकता है अल्लाह के बारे में, यानी कि अगर हम चाहें तो अल्लाह को, अगर हम जानना चाहें तो अल्लाह की निशानियों से अल्लाह ताला को हम पहचान सकते हैं। ये भी सारे एक मौजज़े हैं, छोटे छोटे जो मौजज़े हैं ना, ज़िंदगी जो है वो भी एक मौजज़ा है। मगर इसके लिए हमें एक कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन करनी ज़रूरी होती है। हमारा कहते हैं कि एक होश के साथ एक मुशाहिदा करने की ज़रूरत होती है कि हम देखें कि अल्लाह की सुन्नतें क्या हैं, वेज़ ऑफ अल्लाह जो हैं हमारे इर्द गिर्द वो क्या क्या हैं। तो जितने भी आप ये क्वालिटीज़ और खसूसियात और करेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं जो नेचर के अंदर हैं, ये क्यों अल्लाह ने डाली हुई हैं, ये उन जो भी यानी कि जो चरिंद परिंद हैं उनकी अपनी हिफाजत के लिए, उनकी अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि मास माइग्रेशन होती है यहाँ पे जनाब, ये जब सर्दी आ रही होती है, गर्मी आ रही होती है, तो कैसे चिड़ियाँ और ये जो हैं मास माइग्रेट करती हैं, हर साल जो है वो ये कर रही होती हैं। इसी तरीके से आप अगर हाथियों की को देखें तो हाथियों की जो कम्युनिटी होती है उसके अंदर भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज होती हैं। उनका जो अपना समाजी ताल्लुक होता है वो ऑलमोस्ट लाइक सोशल, जैसे हम इंसानों के अंदर देखते हैं ऐसे ही उनके भी एक समाजी ताल्लुक होता है, सोशल टाइज होती हैं। और मेल जो हैं बड़े डोमिनेंट होते हैं वहाँ पर। इसके बरक्स अगर आप देखें तो ये जो शहद की मक्खियाँ हैं वहाँ फीमेल डोमिनेंट होती हैं, और कोई एक दूसरे के साथ कहते हैं ना कंटेस्ट नहीं कर रहा होता इसके अंदर। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि अगर आप ये जैसे कि ग्रुप है हाथियों के ग्रुप के अंदर, आप उसका मेल जो है वहाँ पे उसको अगर आप मार दें, और कई दफ़ा होता है कि ये जो उसकी टस्क के लिए लोग उसको आइवरी के लिए मार देते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे जो छोटे हाथी होते हैं ना, जो उनके हाथियों के बच्चे होते हैं, जब वो के बड़े होते हैं बग़ैर किसी सुपरविजन के, बग़ैर किसी निगरानी के, तो आपने इन्हों लोगों ने ये ऑब्ज़र्व किया, देखा कि बड़े वॉयलेंट हो जाते हैं, ये जो एक दूसरे को मारने लगते हैं, दे डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, लड़ते हैं आपस के अंदर। और उनको कंट्रोल करने का, उनको काबू पाने का एक वाहिद तरीका होता है, और वाहिद तरीका क्या है कि उस ग्रुप के अंदर एक मेल को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। सो दीज आर ऑल द थिंग्स, ये अल्लाह ताला ने रखी हैं खसूसियात हर एक चीज़ के अंदर। अगर शहद की मक्खी को देखें तो उसके अंदर एक डिफरेंट खसूसियात है, और खसूसियात और इवन बिटवीन डिफरेंट शहद की मक्खियों के जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनकी आपस में खसूसियात भी फ़र्क हैं। वो मेरे एक दोस्त थे इस्लामाबाद के अंदर, वो ये बी फार्मिंग करते थे, तो एक दफ़ा मैं उनसे मिला तो कहने लगे कि मैंने जो बीज है वो इटली से इम्पोर्ट की हुई हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई पाकिस्तानी बीज के अंदर क्या प्रॉब्लम हो गई? उनका वो बड़ी इनडिसिप्लिनड है। तो यानी कि ये भी जो चीज़ है कि कहीं के बीज जो है वो ज़्यादा डिसिप्लिन है, कहीं के ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है, ये खसूसियात भी आप देखें कि इनके अंदर अल्लाह ताला ने रखी हैं। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना ना सुम्मुम बुक्मुन फिज़्ज़ुलुमात मन यशा अल्लाहु युज़लिलहु व मन यशा यजअलहु अला सिरातिन मुस्तकीम बट दोज़ हु डिनाय आवर वर्सेस आर डेफ एंड डम इन द मिड्स्ट ऑफ प्रोफाउंड डार्कनेस। Whoever Allah wills, He leaves astray, and whoever He wills, He guides to the straight path. तो ये हिदायत और गुमराही जो है ये कोई ये गेम ऑफ चांस नहीं है, ये कुरान में बताती है।
ये कोई गेम नहीं है, ये कोई अपना के यानी कि एक चांस कीपर नहीं होता। जो लोग निशानियों को देखते हैं, अल्लाह की निशानियाँ अवेलेबल हैं सब के लिए। जो लोग निशानियों को सही से देखते हैं, उन पर पॉन्डर करते हैं, कुछ लोग उससे हिदायत ले लेते हैं और वो अपने रब की तरफ करीब हो जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वही निशानियाँ देख के अपने रब से दूर चले जाते हैं। तो ये तो लोगों के ऊपर मुनसर है, हाउ डू दे एक्चुअली लुक एट ऑल दीज साइंस दैट आर देयर। अल्लाह ने तो हर चीज़ जो है वो एक अच्छी बनाई है। जब लोग जो है उससे डिस्टेंस होना शुरू होते हैं तो फिर वो जो है अंधेरों में चले जाते हैं, और फिर जो गुनाह जो है वो उनको आके इनगल्फ कर लेता है। कुल अरअयतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि औ अततकुमुस्साअतु अगैरल्लाहि तदऊन इन कुंतुम सादिकीन, से हैव यू कंसिडर If there came to you the punishment from Allah or there came to you the hour, is it other than Allah you would call if you are truthful? बात यह कि जब इंसान के ऊपर अच्छा वक्त आता है तो वह हर चीज़ को भूल जाता है, अपने रब को ही भूल जाता है, और जब कोई मुश्किल पड़ती है इंसान के ऊपर या वो मौत को देखता है कन्फ्रंटिंग है उसके खौफ के साथ, तो फिर इंसान को पता होता है कि अब मेरी पनाह जो है ना, अपनी मेरी रिफ्यूज जो है वो कहीं पर नहीं है सिवाय अल्लाह के साथ, कि कोई पनाह जो है वो अल्लाह के अलावा है नहीं। और ये जो चीज़ें ना, ये इम्प्लांटेड है हमारी जीन के अंदर, हमारे दिल के अंदर, मगर होता ये कि हम जो है इसको दबा देते हैं, हम इसको सप्रेस कर देते हैं, या हम इसके ऊपर ना गफलत के अंदर चले जाते हैं। इंसान अगर अपने आप से भी ऑनेस्टली ये पूछे कि आप हम किस को बुलाते हैं कि जब हमें कोई यानी खौफ होता है, हमें कोई तकलीफ होती है, तो जो शख्स अथीस्ट भी होता है, अल्लाह को भी मानता भी नहीं है, वो भी ये कहते हैं ना ओ माई गॉड। आपने देखा है कभी कभी ये जो एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन होती है मोमेंट्स बिफोर क्रैश, तो अगर कोई शख्स जो है अल्लाह को ना भी माने तो वो जब एकदम देखता है ना कि उसकी मौत जो है उसको सामने से आ रही, तो वो यही कहता है ओ माय गॉड। आप फिरौन के बारे में देखें, फिरौन किसको बुलाया करता था? फिरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहता था कि तुम जाके अपने रब से दुआ करो कि ये जो मुसीबत मेरे ऊपर आई है ये टल जाए। बल इयाहु तदऊना फयक्शिफु मा तदऊना इलैहि इंशाअ व तंसौना मा तुशरिकून, नो इंडीड इट इज़ ऑन हिम दैट यू वुड कॉल, इफ़ इट वर हिज विल ही कुड रिमूव वट एवर हार्म मेड यू कॉल ऑन हिम एंड देन यू वुड फॉरगेट वट यू नाउ एसोसिएट विद हिम। तो ये रियल इशू है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि मुश्किल के अंदर, डिस्ट्रेस के अंदर तो अल्लाह को यानी कि बुलाते हैं, अपने क्रिएटर को कॉल करते हैं, जब वो हटा देता है मुश्किल को तो फिर लोगों का ये एटीट्यूड हो जाता है गॉड हु गॉड, ये कामयाबी जो है ना वो ये फिर करने लगते हैं, कामयाबी जो है ये तो मेरी थिंकिंग की वजह से आई है, मेरे जिसको कहते हैं ना हार्ड वर्क किसी एंटिसिपेशन की वजह से मेरी कामयाबी आई है। क्यों? इसलिए कि इंसान की जो याददाश्त है बड़ी शॉर्ट मेमोरी है, ही गोज़ बैक टू हिज ओल्ड सेल्फ वेरी क्विकली, जहाँ अल्लाह ताला उसमें से मुश्किल हटाता है तो फिर बिजनेस एज यूजुअल हो जाती है। वलकद अरसलना इला उमम मिन क़ब्लिका फ़ख़ज़नाहुम बिलबअसा वज़्ज़र्रा لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ We send messengers before you to many communities and afflicted their people with sufferings and hardship so that they could learn humility. तो कामयाबी के साथ जो एक इंसान के अंदर एक चीज़ आती है ना, वो क्या है? वो प्राइड, फ़खर, कंसीट, घुमंड, एरोगेंस, तकब्बुर, ये तमाम चीज़ें, फ़खर, घुमंड, तकब्बुर, ये चीज़ें अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। यानी इस क्यों पसंद नहीं है कि इसलिए कि जिस शख्स के अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी तो वो शख्स जो है अल्टीमेटली नाइंसाफ़ी करेगा। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने कई दफ़ा लोगों को फिर रिफ्लेक्ट करता है मुश्किलात के साथ, ताकि वो ये जान लें कि वो कितने कमज़ोर हैं, कितने पावरलेस हैं, और ये एक बड़ा हमलिंग एक्सपीरियंस होता है। इट्स काइंड ऑफ अ वेकअप कॉल कि इंसान को अल्लाह ताला झंझोड़ता है ताकि जो इंसान का फोकस है वो शिफ्ट हो सके। If only they humbled themselves when a punishment came to them, but their hearts became hardened and shaitan made attracted to them that which they were doing. तो कुरान क्या कहते हैं कि अगर ये अपने आप को थोड़ा सा ना हम्बल कर लें अल्लाह के सामने से, जब उनके ऊपर अल्लाह ताला कोई सज़ा भेजता है तो अपने आप को जिसके थोड़े से आजजी दिखाएं, थोड़ी आजजी उनके अंदर आ जाए ना। मगर प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को ये एहसास नहीं होता कि जब वो सरकशी कर रहे होते हैं, जब वो ट्रांसग्रेशन कर रहे होते हैं, तो उनके ऊपर जो भी अल्लाह ताला अजाब भेजता है और जो उन पर सज़ा भेजता है, उनको उसका एहसास नहीं होता। आज भी हम ये देखते हैं, आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा पेंडेमिक आया हुआ है, वायरस आया हुआ है, क्या लोग सारे अल्लाह की तरफ मुड़ गए डिस्पाइट ऑल दिस प्रॉब्लम दैट इज़? आप सोचें वायरस क्या चीज़ होती है, इट्स वेरी सिंपल थिंग, एक प्रोटीन है जो कि जिंदा भी नहीं है, मगर उसने पूरी दुनिया को जो है ना स्टैंड स्टिल पर कर दिया कि अल्लाह क्या दिखा रहा है कि देख लो इंसान तुम कितने कमज़ोर हो, डिस्पाइट कि जो टेक्नोलॉजी के अंदर तरक्कियाँ हुई हैं और मेडिसिन में तरक्की हुई है।
तो इंस्टेड के लोग जो हैं वो अल्लाह के सामने जाएं, गिड़गिड़ाएं, माफ़ी मांगें, ये जो है उन लोगों की जो सरकशी है वो और बढ़ जाती है। बिकॉज क्यों क्यों बिकॉज पीपल डोंट लर्न द लेसन। कभी भी वो अल्लाह ताला से जो है ना जो कहते हैं तौबा नहीं करते, गुनाह करने के बाद भी अल्लाह ताला के सामने तौबा नहीं करते। फिर कुरान क्या कहते हैं, एंड शैतान मेड अट्रैक्टिव फ्रॉम देम फॉर देम टू देम दैट विच दे वर डूइंग, कि जो वो काम करते थे शैतान जो है ना उसको तो बड़ा खूबसूरत बना के उनको पेश करता है। तो शैतान का क्या करता है, इंसान के अंदर एक वसवसा डालता है, वसवसे डालता है और उसको आइडियाज़ देता है। पहला आइडिया ये था कि भाई द एंड जस्टिफाइज द मीन, कि एंड रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए, जिस तरीके से भी हो वो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और आप देखें इस सिर्फ इस वसवसे की वजह से इंसान ने औरत को एक ऑब्जेक्ट, एक कमोडिटी बना के छोड़ दिया। आप जितनी भी ये कैटवॉक्स के ऊपर औरतों को परेड करते हुए देखते हैं, जैसे कि कोई गाय बकरियाँ परेड कर रही होती हैं, एग्जैक्टली यही तरीका है। वो कहते हैं एंड रिज़ल्ट तो इसका अच्छा है, कम से कम औरत को हमने एक फ्रीडम दी हुई है। आप ये चैरिटी बॉल्स देखें किस लिए हो रही होती हैं, चैरिटी बॉल कर रहे हैं रेफ्यूजीज़ के लिए कर रहे हैं, चैरिटी बॉल में जो हो रहा है डजंट मेक एनी डिफरेंस। लोग जो शिर्क करते हैं और शिर्क करते हैं यानी कि इन द नेम ऑफ मॉर्निंग के लिए, कि किसी को याद करने के लिए किसी का इंतकाल हो जाए उसके ऊपर शिर्क कर रहे होते हैं, और ये तमाम के तमाम आमाल जो उनके ना शैतान जो है बड़े खूबसूरत बना के पेश करता है। ये जब बॉस्निया के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था कि जब वहाँ पे पूरी जो मुसलमान पॉपुलेशन थी उस पर इतना उसको टेररइज़ किया, इतना जुल्म किया सर्ब्स ने कि बिल्कुल दे मर्डर्ड देम इन कोल्ड ब्लड, और वहाँ पे बॉस्निया के शहर में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी उनके कैपिटल के अंदर, टोटल डिसऑर्डर हुआ हुआ है। और वहाँ पे इस डिसऑर्डर और इस मुसीबत के अंदर उन्होंने एक जनाब एक ब्यूटी कंटेस्ट होल्ड कर रहे हैं कि इन द नेम ऑफ आर्ट एंड कल्चर, जो चूँकि बिजली भी नहीं थी तो कैंडल लाइट के अंदर ब्यूटी कंटेस्ट किया उन्होंने। और क्यों किया, उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे लोग इतने तकलीफ़ के अंदर हैं तो हम तो थोड़ी सी हैप्पीनेस और थोड़ा सा खुशी और जॉय उसकी उनकी ज़िंदगी के अंदर लेके आना चाहते हैं, तो एक हम कर लेते हैं कि जनाब एक ब्यूटी कंटेस्ट करते हैं और कैंडल लाइट में कर लेते हैं। तो ये बड़ी एक बैफलिंग चीज़ है, एक बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ है और बड़ी मायूसकुन चीज़ आप लोगों के अंदर देखते हैं कि कितना आसान होता है शैतान को कि हमारी जो बुरे आमाल हैं उनको इतना पुरकशिश बना देना। सो वेन दे फॉरगॉट that by which they had been reminded be opened to them doors of everything until when they rejoiced in that which they were given we seized them suddenly and they were in despair. kya cheez bhul gaye, quran kehta hai falamma nasu ma zukiru, kya cheez bhul gaye, bole what did they forget, they forgot wo allah ke ahkamat bhul gaye na, wo apne nabi ke jo teachings thi unko sara bhul gaye। तो जब इंसान के ऊपर मुसीबत आती है, कोई कलेमिटी आती है, तो अगर लोग जो हैं अपनी इस्लाह ना करें तो क्या अल्लाह क्या करता है, अल्लाह बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ करता है कि उनके लिए जो ना आराम और आसाइश जो है, दुनियावी कम्फर्ट जो है, उसका दरवाज़ा टोटली खुल जाता है और लोग बिल्कुल दुनिया के अंदर मगन हो जाते हैं। वो और भी बिल्कुल कहते हैं ना कि भूल जाते हैं कि अल्लाह के अहकाम और टीचिंग को कम्प्लीटली, हिदायत को कम्प्लीटली भूल जाते हैं। और जब वो इन दिस डीप स्टेट होते हैं ना, दुनिया के अंदर ऐसे डीपली मगन होते हैं, फिर सडनली अल्लाह का जो है ना अजाब उनके ऊपर आ जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, डोंट बी डिसीव, इस पर धोखा ना खाएं कि हम देखते हैं कि लोगों के पास यू नो घरों के अंदर या कौमों के अंदर या कबीलों के अंदर या सोसाइटीज़ के अंदर बड़ी फरावानी है लोगों में, और उस बेसिस पे हम ये कंक्लूड करने लगे कि ये शख्स जो है या ये कम्युनिटी जो है या ये नेशन जो है ये सही रास्ते के ऊपर है, कि इनका जो है बड़े मॉडल, ये बड़ी मॉडल लाइफ है और ये मॉडल जो है यही व्हाट सारी कामयाबी भी है। वी शुडंट रियली गो इनटू दिस डिसेप्शन एंड दिस धोखा। एक हदीस आती है, उसमें प्रोफेसर सल्लम ने फरमाया कि जब कुछ तुम देखो कि किसी के ऊपर अल्लाह ताला का बड़ा खैर हो रहा है, कि उसका माल भी बढ़ रहा है और दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी सक्सेस भी हो रही है, दैट्स बीइंग शावर्ड ऑन हिम, जबकि वो जो है डटा हुआ है गुनाह के ऊपर, हाँ, और गुनाह के ऊपर और ट्रांसग्रेशन के ऊपर, कि अल्लाह की सरकशी के ऊपर और गुनाह पे डटा हुआ है, तो ये याद रखो कि अल्लाह जो है ना उसको रोक दे रहा है, अल्लाह ताला उसको टाइम दे रहा है, और ये अल्लाह ताला जब खींचता है अपनी रस्सी को तो फिर जो है बड़ा सख्त अजाब आता है। फ़क़ुत दाबरुल क़ौमिल लज़ीन ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन दस पर द रूट्स ऑफ पीपल हु वर अनजस्ट कट ऑफ प्रेज बी टू अल्लाह द रब ऑफ द यूनिवर्स। तो ये अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह की बड़ी मर्सी है कि जो फासिक हैं, ट्रांसग्रेसर्स हैं, अल्लाह ताला उनको भी दुनिया में साफ कर देता है। और ये क्यों करता है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को भी तो बचाना है ना, इस पूरी इंसानियत को बचाना है। तो ऐसा ही होता है कि जैसे किसी के अंदर अगर एक कैंसर आ जाए उसके जिस्म के अंदर, वो डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर जो वो पूरे के पूरे उसको रिमूव कर देता है। और क्यों रिमूव करता है, ताकि हिफाजत हो सके बाकी जिस्म की।
तो जब ट्रांसग्रेसर्स जो होते हैं, जो कि एक फासिक होते हैं, एक हद से गुजरने वाले होते हैं, उनको जब अल्लाह ताला सज़ा देता है, तो ये भी जो है एक अल्लाह की रहमत है. दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर ऑल द वर्ल्ड. या लगे प्रेज बी टू अल्लाह द रब ऑफ द वर्ल्ड, कि जब वो काट देता है इनको, तब भी ये अल्लाह ताला का बड़ी रहमत की बात है. से हैव यू कंसिडर्ड इफ़ अल्लाह शुड टेक अवे योर हियरिंग एंड योर साइट एंड सेट अ सील अपॉन योर हार्ट, विच गॉड अदर देन अल्लाह कुड ब्रिंग देम बैक टू यू. लुक हाउ वी मेक प्लेन टू यू आर वर्सेस, येट दे टर्न अवे. तो ये अल्लाह ताला के लिए बड़ा आसान है कि किसी इंसान की जो है सुनने की ताकत और उसकी देखने की ताकत उसको ख़त्म कर दे, उसके दिल के ऊपर सील लगा दे. तो एक तो इसके लिटरल मायने भी हैं, लफ्जी मायने भी हैं, वो यही हैं कि अल्लाह ताला ये फिज़िकल एबिलिटीज़ उसके साथ ले ले, कि जो है डिस्पाइट द नॉलेज जो है उस इंसान जो है फिर भी शक में पड़ा रहे, और दैट्स वन ऑफ द थिंग. ऑल्टरनेटिव इसकी एक डीपर मीनिंग भी है, और वो डीपर मीनिंग यही है कि अगर लोग जो हैं जान बूझ के अल्लाह ताला के अहकाम को तोड़ते हैं, तो अल्लाह ताला मोहर लगा देता है उनकी आँखों पे भी, उनके सुनने पे भी, उनके दिल के ऊपर भी, फिर इन लोगों को जो है हिदायत नहीं मिलती. आप देखें ना अपने आज दुनिया के अंदर भी, अगर आप देखें, आप एक कमीज़ ख़रीदने के लिए जाएँ, आप जब कमीज़ ख़रीदते हैं, आप कितना मुख्तलिफ शॉप्स में घूमते हैं, 10 दुकानों को जाके देखेंगे, कलर भी देखेंगे, फैब्रिक भी देखेंगे, स्टाइल भी देखेंगे, कीमत भी देखेंगे, फिटिंग भी देखेंगे. हम एक घर छोटा सा बना रहे होते हैं, कितनी उसके अंदर हमें परेशानी होती है, क्या इनकन्वीनियंस होती है, फिज़िकल एग्जर्शन होती है, एक ऑलमोस्ट लाइक जिहाद लगता है. जब वो मकान तैयार हो जाता है, तो बड़ी एक इंसान को एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आती है. तो आप ये सोचिए कि जब ये दुनिया के अंदर ये चाहे शर्ट खरीद रहे हो या घर बना रहे हो, इसके अंदर हम इंसान इतनी मुसीबत उठाने को तैयार है, तो अगर हमें एक महल चाहिए जन्नत के अंदर, हाँ, तो उसके जिसको अल्लाह ताला जिस महल के लिए कहता है कि दिस इज़ अ फौज़ुल अज़ीम, दिस इज़ अ शानदार ट्राइम्फ, बड़ी बहुत बड़ी कामयाबी है, तो उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए? क्या हमारी मेहनत इन प्रोपोर्शन है टू द वर्थ ऑफ द पैराडाइज या नहीं है? कितनी हम मेहनत उसके लिए, इस महल के लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? से हैव यू कंसिडर्ड इफ द पनिशमेंट ऑफ अल्लाह शुड कम टू यू अनएक्सपेक्टेडली और ओपनली, विल एनी पैरिश बट द ट्रांसग्रेसर्स? तो ये जो फिनोमेना है, आप ये देख रहे हैं कि जो बहुत बड़ी बड़ी तहजीबें हैं, बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं, कौमें हैं, उनको दे नो दिस फिनोमेना, कि कैसे अल्लाह ताला ने आके उनको बर्बाद कर दिया. बात यह है कि जो राइचियसनेस है, जो नेकी है, वो तो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, वो तबाह नहीं होती. चाहे वो जो कौम है वो फिज़िकली जो है वो डिस्ट्रॉय भी हो जाए, मगर ये जो इंसान के अंदर और कौमों के अंदर जो कहते हैं ना रूहानी नेमत अल्लाह ने रखी है, वो अल्लाह ताला जो उसकी वजह से जो हमेशा अल्लाह ताला उन लोगों को बचा लेता है कि जो कि नेक लोग हों. और इन बड़ी तहजीबों में भी जब अल्लाह ताला का अज़ाब आया, तो उससे पहले अल्लाह ताला ने जो नेक लोग थे उनमें से जो वो नेक थे उनको आराम से पहले निकाल लिया. वमा नुरसिलुल मुरसलीना इल्ला मुबशिरीन व मुनज़िरीन फमन आमना व असलहा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून. वी सेंड मैसेंजर्स ओनली टू गिव गुड न्यूज़ एंड टू वॉर्न, सो फॉर दोज हु बिलीव एंड डू गुड डीज देर विल बी नो फियर नॉर विल दे ग्रीव. तो ये जो है सिर्फ ईमान की बात नहीं है, बल्कि उसके साथ कुरान बार बार यही कहते हैं कि जो कि ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं, उसको प्रैक्टिस में लेके आना बड़ा ज़रूरी है. अच्छा, दूसरी चीज़ जो शायद के अंदर बताई जा रही है, वो मकसद क्या है? मकसद जो है पर्पज़ ऑफ सेंडिंग अ मैसेंजर, के रसूल को, नबी को भेजने का क्या मकसद है? वो ये कि अच्छी खबर देना, गुड न्यूज़ देना, जो मुश्किलात के बावजूद, जो टेम्पटेशन और फितने के बावजूद भी है साबित कदम रहते हैं, उनको एक चाहते ना अच्छी खबर देना. और जो लोग जो है बगावत के अंदर तुले हुए हैं, ट्रांसग्रेशन में, गुनाह में तुले हुए, तो उनको जो है एक वार्निंग देना कि ये जो है इसका एंड रिज़ल्ट जो है वो बहुत ख़राब होगा. वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना यमस्सुहुमुल अज़ाबु बिमा कानू यफ़सुकून, बट दोज़ हु डिनाय आवर वर्सेस द पनिशमेंट विल टच देम फॉर देयर मिसडीड्स. तो यहाँ पे आप ये देखें, वल्लज़ीना कज़्ज़बू, ये जो वर्ड आते हैं ना कज़्ज़बू डिनाइल, दोज़ हु डिनाय आवर वर्सेस, जैसे हम ट्रांसलेशन में कि जो झुटलाते हैं, तो झुटलाना अल्लाह की जो कमांडमेंट्स हैं, अल्लाह की जो अहकाम हैं, वो ये भी हैं कि हम जानें कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, ये हमें जाने कि ये कुरान के अंदर लिखा हुआ है अल्लाह का कानून, फिर हम उसको जो है ना अमल के अंदर ना लाएं. ये भी एक झुटलाने की प्रोसेस है कि एक तो झुटलाना होता है ओपनली कहना, दूसरा झुटलाना ये कि हम उसको अपने अमल में लेके ही ना आए, नोइंग दैट इट इज़ पार्ट ऑफ कुरान. तो लोग जो हैं दे आर इन अ स्टेट ऑफ डिनाइल, उनके अंदर एक बहुत ही गलत फहमी है अक्सर लोगों के अंदर कि नो मैटर हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें, अल्टीमेटली अल्लाह ताला की जो रहमत होगी, अल्लाह की जो मर्सी होगी, वो हमें बचा लेगी, नो मैटर कि हम कितने भी गुनाह क्यों करते हुए क्यों ना जाएं. अगर आप कुफार के बारे में भी देखें,
तो वो जो थे उनको बिल्कुल वो एक्सेप्टेबल थे, प्रॉफिट सल्लम उनको बड़े एक्सेप्टेबल थे, वो कहते थे तो बड़े सच्चे आदमी हैं, बड़े पायस आदमी हैं, ही इज़ अ वेरी यू नो ऑनेस्ट पर्सन। मगर उनको क्या कबूल नहीं था, उनको ये जो जो प्रॉफिट सल्लम की जो वही आ रही थी, जो वही नाजिल हो रही थी, ये उनको कबूल नहीं थी। इट्स ऑल अबाउट दी अहकामात ऑफ कुरान दैट आर इम्पॉर्टेंट, और यहीं पर इंसान आके इसी के ख़िलाफ़ जो है बगावत करता है। से आई डू नॉट टेल यू दैट आई हैव द ट्रेजर्स ऑफ अल्लाह, नॉट दैट आई नो the unseen, nor do I tell you that I am an angel. I only follow what is revealed to me. Say, is the blind equivalent to the seeing? Then will you not give thought? यहाँ पे ये था कि ये जो मक्के के कुफार थे, उन्होंने आके यू नो तीन मुतालबे पेश किए थे, तीन डिमांड्स पेश की थी। पहला तो यही था कि भाई हमारे पास अगर ये नबी हैं प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनका, तो ये एक ज़मीन से हमारे लिए ख़जाना लेके आए। दूसरा जो उनका मुतालबा था वो यही था कि हमें ये बताएं कि क्या चीज़ अच्छी है, खैर है मुस्तकबिल में हमारे लिए, कि मुस्तकबिल में कैसा होगा हमारे लिए, दैट्स यू नो फोर टेलिंग द फ्यूचर। तीसरी चीज़ उन्होंने ये कहा कि ये जो जब इंसान है, यानी कि अगर नबी को भेजना था तो इंसान की शक्ल में क्यों भेजा, कि इंसान को नबी बना के क्यों भेजा, एक फरिश्ते को क्यों नहीं नबी बना के भेजा। तो उन चीज़ों के बारे में ये जो तीनों इनके जो मुतालबात थे, इसका जवाब जो है इस आयत के अंदर जो कुरान है अल्लाह ताला यही देता है कि ये बिल्कुल याद रहे कि देखें कि अल्लाह के जो नबी हैं उनका जो उनका जो जवाब था टू इन मुतालबों के ऊपर वो यही था कि भाई हमें कोई ना कोई तो मौजज़ा दिखा कर, ओपन मौजज़ा दिखाओ। तो अब जब ये कि नबी जो था वो भी कोई मौजज़े नहीं दिखा सकता, तो आप ये सोच लें कि इस दुनिया के अंदर आज जब हम लोगों को मिलते हैं, कोई कहता है भाई ये तो बड़ा पीर है, ये तो बड़ा पहुंचा हुआ बुज़ुर्ग है, ये तो मज़ार पे जाओ तो ये हो, और वो मुस्तकबिल के बारे में भी बताते, किसके पास ताकत हो सकती है? जब एक नबी ये चीज़ें नहीं बता सकता, ये नहीं कर सकता, तो क्या कोई और शख्स ऐसा होगा कि जिसका ईमान ऐसा हो कि अल्लाह ताला उसको उसको उसके थ्रू जो है ये यू नो ये चीज़ें फ्यूचर के बारे में कोई बता सके, या उसके पास इतनी ताकत हो कि वो कुछ दे सके या कुछ ले सके? तो हमारे नबी जो थे वो भी एक बशर थे, ही वॉज़ अ मॉर्टल ह्यूमन बींग, वो अल्लाह के जो थे ना, ही वॉज़ अ सर्वेंट ऑफ अल्लाह, उनको अल्लाह ताला ने चुन लिया था। किस लिए चुन लिया था? कि पहुंचाना था अल्लाह का पैगाम जो था वो लोगों को पहुंचाना था। तो यही क्वेश्चन कुरान करता है कि क्या वो लोग जो कि यानी कि अंधे हैं और जो गूंगे हैं, वो अल्लाह के पैगाम को लेने के बाद वो क्या रास्ता निकाल सकते हैं दुनिया में उसी तरीके के ऊपर जैसे कि एक शख्स है जो कि देखता भी है और जो सुनता भी है और जो हिदायत भी जो को भी जानता है, अल्लाह की जो हिदायत आ रही इन रेवलेशंस के थ्रू, ये दोनों बराबर हो नहीं सकते। एंड वॉर्न बाई इट दोज हु फियर दैट दे विल बी गैदर्ड बिफोर देयर रब, फॉर देम देयर विल बी नो प्रोटेक्टर एंड नो इंटरसेसर्स बिसाइड्स हिम दैट दे माइट बिकम राइचस। तो कुरान क्या कह रहे हैं कि इससे तो तुम जाके लोगों को वॉर्न करो, कुरान का मकसद ये है कि दैट पीपल विल अल्टीमेटली बी गैदर्ड बिफोर द रब। तो हर शख्स को जो अल्लाह ताला के सामने जाके जमा होंगे लोग, वहाँ पर हर एक का फैसला होगा। ये जमा होना जो है कोई मीटिंग नहीं है, ये फैसले का दिन होगा, ताकि लोगों के जो आमाल हैं उनको उनका उनको हिसा उनका हिसाब दिया जाए और उसके ऊपर उनको जजा या सज़ा दी जाए। तो इसलिए हमें बड़ी तवज्जो देनी चाहिए, वी रियली नीड टू गिव तवज्जो कि हमारे जो आमाल हैं वो कैसे हैं, कि जब अल्लाह ताला हमारा हिसाब ले इन आमाल का तो वो हिसाब में क्या निकले एट दी एंड ऑफ द डे। और ये भी हमें कोई फॉल्स जिसको कहते हैं ना उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि कोई आके हमारी सिफारिश करेगा और इस सिफारिश की वजह से जो हम बच जाएंगे। याद रखें वी ऑल विल बी अलोन एंड वी विल बी अलोन ओनली विद आर ओन डीड्स। तो ये बताने के बाद आप ये देखते हैं ना कि ये जो अल्लाह ताला ने एक यहाँ पे एक वार्निंग भी दी है कि इनका असर जो होगा वो किसके ऊपर होगा, उन लोगों के ऊपर होगा जो कि पूरा जिनका के ध्यान दुनिया के प्लेजर्स के अंदर नहीं है, कि जो शख्स दुनिया के जिसको कहते हैं कि यहाँ की रंगीनियों के अंदर सिर्फ घुमा हुआ है, वो तो कभी भी नहीं सोचेगा हिसाब के बारे में। ही विल नेवर थिंक अबाउट एनी यू नो अकाउंटेबिलिटी, ना ही वो अपनी मौत के बारे में कोई सोचेगा। तो ये हिसाब के बारे में सोचना, मौत के बारे में सोचना जो है ना, इससे इंसान के अंदर बड़ा इम्पैक्ट होता है, फिर उसका जो है रवैया जो है बहुत तब्दील हो जाता है। अच्छा, ये अगली आयत जो है ना, ये काइंड ऑफ अ प्रोफाउंड आयत है, एक जवाब भी है। ये सर्टन वहाँ पे जो सरदार थे कुरैश के अंदर, वो गए प्रोफेसर सल्लम के जो चचा थे अबू तालिब, उनके पास गए और उन्होंने जाके एक वहाँ पे जाके उनको ये कहा कि देखें हमें इस्लाम एक्सेप्टेबल है एक कंडीशन के अंदर, कि हम जाएंगे ये मोहम्मद सल्लम की जो महफ़िल होती है उसमें बैठेंगे,
मगर आप इनसे कहें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहें कि वो जो यहाँ पे ग़ुलाम हैं और जो काले लोग हैं और जो गरीब लोग हैं, वो उस महफिल के अंदर वो ना हो, हम जब जाके उनसे मिलें, उनकी महफिल में बैठें। अबू तालिब वाज डिलाइटेड, वो बड़े खुश हुए, वो समझे कि ये तो इन्होंने तो पूरा इस्लाम ही कलेक्ट कर लिया, यू नो, एक्सेप्ट कर लिया ये तमाम सरदारों, मक्के के सरदारों ने, और ये तमाम जो महाजाराई अब तक चल रही थी इसका अब ख़ात्मा होने वाला है। तो उन्होंने जाके प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में बात की, और उनकी बात करने के बाद ये जो सब्सिक्वेंट आयत है, ये जो आयत नंबर 52 है, ये उसके बाद अल्लाह ताला ने नाजिल की, एंड डू नॉट सेंड अवे दोज हु कॉल अपॉन देयर रब मॉर्निंग एंड आफ्टरनून सीकिंग टू गेन हिज फेवर, यू आर इन नो वे अकाउंटेबल फॉर देम एंड नॉर आर दे इन एनी वे अकाउंटेबल फॉर यू, सो इफ़ यू वर टू टर्न देम अवे यू वुड बी देन ऑफ द अनजस्ट। ये जवाब जो है ना, आप देखें ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट अल्लाह ताला ने जवाब दिया उनके जो एतराज़ात थे, जो सरदार थे कुरैश के, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। हमेशा आप ये देखें कि जो नबियों का जो मिशन होता है वो शुरू होता है, दे स्टार्ट टू प्रीच विद द लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी, वो जाते हैं उनका पैगाम जो है जो सरदार होते हैं उनको देते हैं, मगर इसका जो रिस्पॉन्स है, इसका जो आता है वो किसके पास से आता है, वो हमेशा उन लोगों के पास से आता है जो कम्युनिटी में सबसे गरीब हो। तो कभी कभी आप ये देखते होंगे कि ये जो है ना लोग, ये एक अपर क्लास वाले और जो सरदार हैं और जो सोसाइटी के अंदर जो जिस कहते हैं ना इंटेलिजेंसी और अमीर लोग होते हैं अपर क्लास के, ये एक बहाना भी बना लेते हैं कि हम जो हैं आपसे यू नो हम डिसोसिएट कर रहे हैं फ्रॉम योर कंपनी, इसलिए कि आपकी कंपनी के अंदर तो बहुत ही ऐसे गरीब किस्म के लोग हैं। कुरान का क्या मैसेज है कि एक शख्स जो कि गरीब है मगर ईमान वाला है, उसका दर्जा जो है बहुत ऊंचा है, उसका दर्जा जो है एक जो कहते हैं ना नेशन ऑफ डिसबिलीवर्स है, एक पूरी कौम है जो कि मुशरिक है, उनसे ज़्यादा है कि अगर वो एक ईमान वाला है और एक गरीब है। मे बी दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से वो सक्सेसफुल नहीं है, बट अल्लाह के नज़दीक वो बहुत कामयाब है। And thus we have made some of them a means of testing others, so that they should say, are these the men whom Allah favors among us? Is not Allah most knowing of those who are grateful? तो ये अल्लाह ताला क्या बता रहा है कि अल्लाह कह रहा है भाई ये भी एक इम्तिहान है, ये लोगों की नेकी देखने का इम्तिहान है। हाँ कि ये तो अल्लाह ताला जो है जब लोगों का इम्तिहान देता है ना तो, और नेकी देखता है तो अल्लाह किसी के बैंक बैलेंस को नहीं देख के ये करता। कभी कभी लोगों के अंदर ये गलत फहमी होती है कि यानी दुनियावी आराम जिसके पास है, जिसका रुतबा ज़्यादा है, जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब, अल्लाह ने उसकी उसको बहुत ज़्यादा नेमतें दी हुई हैं, और ये जो गरीब लोग हैं जो पावरलेस हैं, इनके पास कोई पोजीशन नहीं है, वर्थलेस है, ये अल्लाह के नज़दीक में वर्थलेस है, अल्लाह अदरवाइज इनको भी इस दुनिया के अंदर बहुत कुछ आराम देता। एक हदीस आती है, प्रोफेसर सल्लम ने फरमाया कि एक शख्स है जो कि बिल्कुल ब्रोकन डाउन है, ये टूटा आदमी, उसको गर्द आलूदा है, डस्ट स्टेंड है, ये शख्स जो है ये ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक प्यारा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये शख्स जो एक कसम लेता है अल्लाह के नाम की, कसम लेता है अबाउट समथिंग दैट इट वुड बी लाइक दिस, होगी ये कसम लेता है कि ये चीज़ ऐसे होगी, यू नो अल्लाह, तो अल्लाह ताला उसकी इज्जत रखने के लिए जो उसने कसम ली हुई होती है मेक श्योर कि वो चीज़ वैसे ही हो जाए। तो अल्लाह को ऐसे लोग बड़े पसंद हैं। कभी कभी हमें ये सोचते हैं ना कि ये इनकी बात के अंदर क्या क्या वेट होगा, कभी कभी इनकी बात में बड़ा वेट होता है बिकॉज अल्लाह ताला उनको बड़ा इज्जत देता है। सो वी रियली डोंट नो कि अल्लाह के नज़दीक कौन जो है ना अल्लाह को ज़्यादा प्यारा है। तो कभी कभी अल्लाह ताला जो बिस्टो करता है यानी कि अता करता है किसी को नेमतें, वो अता करता है ये जो नेमत होती है इस्लाम की गरीब लोगों को। और ये अल्लाह ताला नेमत इस्लाम की गरीब को जब देता है ना, अब तो वो अल्लाह ताला जो है जो कि जो जो जिन लोगों में फ़ख्र है और जिन जो लोग मुतकब्बिर हैं किसी क्लास के, ये उनका इम्तिहान अल्लाह ले रहा होता है कि नेमत दे दी गरीब को गाइडेंस की, और फिर जो है ये जो है टेस्ट में डाल दिया अमीर लोगों को कि जो कि बहुत ही एरोगेंट है उनका। इसी के नेटवर्थ इंसान की जो है ना, इट इज़ नॉट अ क्राइटेरिया टू जज पीपल। एक हदीस आती है, श्योरली अल्लाह डज नॉट जज यू बाय योर अपेयरेंस और योर प्रॉपर्टी, बट ही जजेस यू बाय योर नेकी, बाय योर गुड डीज, योर हार्ट एंड योर डीज। तो अल्लाह के नज़दीक तो हमारी नेटवर्क मींस नथिंग टू हिम, तो वो हमें किस तरह से जज कर रहा होता है, वो हमारे देख रहा होता है कि हम कितने नेक हैं, हमारे दिल में कितनी नेकी है और हमारे अमाल के अंदर कितनी नेकी है। तो बहुत बड़ा ये जो साइन है, आप ये देखते हैं कि अगर हम अपने ईमान का जायज़ा लें तो एक जो साइन वो यही कि अगर हम रश करते हैं उन लोगों के ऊपर जो कि जिनको अल्लाह ताला ने दुनियावी बहुत ही यानी कि पोजेशंस दिए हुए, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद आवर फेथ।
हमें अगर रश करना चाहिए तो सिर्फ उन लोगों पर रश करना चाहिए जो कि ईमान में हमसे ज़्यादा बेहतर हैं, जिनके आमाल जो हैं हमसे ज़्यादा बेहतर हैं, जिसके जो कहते हैं ना नेकी के अंदर ज़्यादा वो हैं, ठीक है। और वो ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनको कि अगर वर्ल्डली कम्फर्ट्स ना भी हों तो इट दिस डजंट रियली रैटल देम। वेन दोज हु बिलीव इन आर रेवलेशंस कम टू यू से पीस बी अपॉन यू, योर रब हैज़ टेकन इट ऑन हिमसेल्फ टू बी मर्सीफुल। If any of you has foolishly done any evil deed and afterwards repented and mended his way, Allah is the most forgiving, merciful. तो यहाँ एक कम्फर्ट दी जा रही है प्रोफेसर सल्लम को और बाकी मुसलमानों को भी एक दी जा रही है, और ये अल्लाह ताला नुमाया कर रहा है एक अल्लाह की अपनी बड़ी सिफत है, और वो सिफत क्या है, रहमत की सिफत है। हाँ, कि अल्लाह ताला जो है बदला जो है पुरानी ख़ताओं का जो है वो नहीं लेता, जिन जो इंसानों ने पहले गुनाह किए हुए होते हैं, ख़ास तौर पे वो गुनाह जो उन्होंने जहालत की कंडीशन में किए होते हैं, इग्नोरेंस की कंडीशन में किए होते हैं, मगर उसके बाद उन्होंने अपने आप अपनी इस्लाह भी कर ली होती है, अल्लाह से तौबा भी कर ली होती है। तो ये इन अ वे ऑल्सो एक तसल्ली है उन मुसलमानों के लिए या गरीब मुसलमानों के लिए कि जो सुनते थे ये जो कुरैश की जो कंडीशंस थी ना कि इन लोगों को आप अपनी कंपनी से निकालें, तो उनके दिल पे भी काफ़ी इसका असर होता होगा डेफिनेटली, कि आप दिस इज़ व्हाट इज़ अ डिमांड। और वो ये सोचते होंगे शायद हम अगर इस कंपनी से चले जाएँ तो इस्लाम के लिए बेहतर हो। तो कुरान जो है अल्लाह जो है उसको कम्प्लीटली निगेट कर रहा है। तो ये बड़ी रहमत है अल्लाह ताला की कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करता है, हमारी इबादत को कबूल करता है, कि जबकि वो रियली इस नॉट वर्थ, उसकी काबिलियत इतनी होती कि अल्लाह ताला की अपनी अगर आप अजमत देखें, उसकी मजेस्टी देखें, कि ये है कि अल्लाह ताला जो है एक शख्स है वो गुनाह भी करता है मगर अल्लाह उसको जो है ही फॉरगिव्स, हाँ, कि जब वो तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसको माफ़ भी कर देता है। ये अल्लाह ताला की रहमत है। तो अल्लाह ताला ने हैज़ डिक्रीड अपॉन हिमसेल्फ टू बी मर्सीफुल। वो एक हदीस आती है ना, हदीस कुदसी के, द मर्सी ऑफ अल्लाह इज़ डोमिनेंट ओवर हिज रॉथ, कि अल्लाह ताला की जो रहमत है वो जो है वो तो छाई हुई है अल्लाह के गुस्से के ऊपर। वकज़ालिक नुफस्सिलुल आयाति वलितस तबीन सबीलुल मुजरिमीन एंड दस वी मेक प्लेन आवर रेवलेशंस एंड द वे ऑफ द क्रिमिनल्स विल बिकम एविडेंट। तो जो लोग खुद अपना चूज़ करते हैं अपने उससे फ्री चॉइस से गुमराही का इंटेंशनली, वो क्यों चूज़ करते हैं, इस वजह से नहीं कि उनको कोई निशानियां नहीं नज़र आ रही होती, उनको निशानियां नज़र आ रही होती हैं सीधे रास्ते की, बट बात यह है कि वो इस निशानियों को देखना नहीं चाहते। कुल इन्नी नुहीतु अन आबुदल्लज़ीना तदून मिन दूनिल्लाह कुल ला अत्तबियु अहवाअकुम कद ज़ललतु इज़ं वमा अना मिनल मुहतदीन। से आई एम फॉरबिडन टू वर्शिप दोज यू कॉल ऑन अदर देन अल्लाह। से आई विल not follow your vain desires, for if I did, I will stray from the path and cease to be rightly guided. तो ये भी मक्के वालों की एक तजवीज़ थी, एक सजेशन थी मुशरिकों को, कि भाई थोड़ा सा गिव एंड टेक हो जाए, कुछ चीज़ें हम आपकी एक्सेप्ट कर लें, कुछ आप हमारी चीज़ें जो हैं उनको मान लें। एक्सेप्ट आर गुड गॉड्स, हम आपके खुदा को मानते हैं, आप हमारे खुदा को मान लें। तो एक काइंड ऑफ मिड वे के अंदर आ जाता है। कुरान इसको कम्प्लीटली डिनाई करता है, कुरान इस आइडिया को कम्प्लीटली रद्द करता है कि ऐसी मुफाहमत जो है, ऐसी रिकन्सिलिएशन की जाए। और प्रॉफिट से क्या कहा कि से आई एम नॉट फॉलोइंग योर वेन डिज़ायर्स, हाँ, और मैं जो हूँ आई एम फॉरबिडन टू वर्शिप दोज यू कॉल अदर देन अल्लाह, कि मुझे तो अल्लाह ताला ने रोक दिया है कि मैं उनको बुलाऊं कि जो इनके अल्लाह के सिवा किसी को। आई एम कमांडेड, कि ये मेरा अपना डिसीशन नहीं है, मैं तो सिर्फ ओबीडियंट हूँ, मैं तो सिर्फ इताअत कर रहा हूँ अल्लाह की। तो मैसेज इज़ कि ये शिर्क जो है ये किसी चीज़ से सपोर्टेड नहीं है, ना नॉलेज, ना इल्म से, ना इंटेलिजेंस से। से इंडीड आई एम ऑन क्लियर एविडेंस फ्रॉम माई रब एंड यू हैव डिनाइड इट। आई डू नॉट हैव दैट फॉर विच You are impatient. The decision is only from Allah. He relates the truth and He is the best decider, best of the deciders. तो ये मुतालबा था कुफार का, गैर मुतालबा था कि ये जो अजाब के बारे में आप बार बार हमें डराते हैं, ले आए उस अजाब को, bring it on. ये उनका मुतालबा था। और यहाँ पे वो प्रोफेसर सल्लम ये बता रहे हैं कि देखो जिस चीज़ के लिए तुम बड़े बेताब हो ना, जो इम्पेशेंट हो, ये भी अल्लाह का डिसीजन है कि अल्लाह ताला इसको लेके आता है या नहीं लेके आता या कब लेके आता है। तो ये डिसबिलीवर्स जो थे, कुफार थे, ओपनली इनकार करते थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और ये डिमांड करते थे कि ये पनिशमेंट को हमारे ऊपर लेके आए। से इफ़ आई हैड द पावर टू हेसन दैट विच यू आर इम्पेशेंट द मैटर वुड हैव बीन डिसाइडेड बिटवीन मी एंड यू, बट अल्लाह इज मोस्ट नोइंग ऑफ द रॉन्ग डूअर्स। आप ये देखें कि इवन नबियों का एक सब्र जो है उसकी एक लिमिट लगती थी,
और दीज पीपल वर ऑलमोस्ट लाइक रीच टू दैट लिमिट कि प्रॉफिट क्या कह रहे हैं, अगर मेरे बस में होता ना तो मैं तो ये अजाब ले आया होता, ये मैं भी यू नो तुम्हारी ये जो डिमांड थी इसके ऊपर मैं अजाब ले आता, बट अल्लाह की जो सबर की लिमिट है ना हद जो है बहुत ज़्यादा है, ही इज़ दी मोस्ट पेशेंट and with him are the keys of the unseen, none knows them except him, and he knows what is on the land and in the sea, not a leaf falls but that he knows it, and no grain is there within the darknesses of the earth, and anything fresh or dry but that it is in a clear record. Kya zor diya ja raha hai yahan pe, mukammal comprehensive aur wasi knowledge hai wo sirf Allah ki hai. Ye this is another reason ki Allah taala ko kisi ke sifarish ki zarurat nahi, Allah has full knowledge of everything. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. It is he who claims you back by night and knows what you have done by the day, then he awakens you up to fulfill your allotted duration of time, then to him you will return and he will inform you about what you used to do. अब ये देखें, ये जो कुरान यहाँ पे हमें बता रहा है, एक पॉइंट कर रहा है कि आप अपनी नींद के बारे में सोचें, कैसे हम सो जाते हैं, क्या मिस्ट्री है, सोना भी एक मिस्ट्री है. आप अगर इसके बारे में कभी सोचें कि जब आप सो रहे होते हैं या आप जाग रहे होते हैं, ये भी बड़ी रिलेटिव चीज़ है सोना और जागना, कि जिन लोगों को हम अपने ख्वाबों के अंदर मिलते हैं सोते वक्त, तो उनके हिसाब से तो जो हम जाग रहे होते हैं वो लोग हैं, वो भी एक जो है ना वो एक अलग ही मखलूक है जिनके साथ हम मिलते हैं वेन वी आर इन स्लीप. तो एवरीथिंग इज़ काइंड ऑफ रिलेटिव. वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा ना कि यू आर अस्लीप एंड वेन यू डाई यू वेक अप, कि तुम सो रहे हो और जब तुम मर जाओगे तो रियली उस वक्त आँख खुलेगी. तो ये जो मरने का टाइम है ये तो एक फिक्स्ड है, ये डेली रात को सोना और उसके बाद सुबह उसके बाद जो ना नहार में उठ जाना, ये भी एक जिसको कहते हैं ना कि मौत एक होती है, स्लीप भी एक इज़ अ फॉर्म ऑफ अ डेथ फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. हमें बिल्कुल एहसास नहीं होता कि क्या चीज़ें हो रही हैं, फिर हम सुबह जो है वापस जाग जाते हैं. इसी तरह से हमारी जब मौत होगी उसके बाद भी अल्लाह ताला जब हमें उठाएगा तो ऐसे ही लगेगा कि जैसे यू नो चंद घड़ियाँ या चंद दिन हम सोते रहें उसके बाद उठ गए. मगर ये जो टाइम ऑफ डेथ है ये जो है फिक्स्ड है, ये हर एक का लिए एक मुकर्रर किया हुआ है. और समटाइम्स जो है आप ये देखें कि लोग जो हैं बड़े एक्सेप्शनल कोई इंसिडेंट्स होता है उसमें वो बच जाते हैं, और कभी कभी बड़ा ही छोटा सा कोई ट्रिवियल चीज़ होती है, पानी से उछू हुआ लोग मर गए, और कभी कभी एयर क्रैश भी हुआ उसमें भी वो ज़िंदा रह गए. तो ये वक्त जो है अल्लाह ताला ने सबके लिए जो है मुकर्रर किया हुआ है, उससे पहले जा नहीं सकता. मगर बड़ा ज़रूरी है हमें कॉन्स्टेंटली अपने आप को जो है ना इस गफलत से निकाल के रखना. इसीलिए कुरान और आप देखें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआएं हैं और इंस्ट्रक्शंस हैं हमारी कि भाई मौत को याद करो 70 दफ़ा एक दिन के अंदर. एक दफ़ा दिन में आप 70 दफ़ा मौत को याद रखेंगे ना तो हर चीज़ जो है वो एक राइट पर्सपेक्टिव के अंदर रहेगी. द ट्रबल इज़ के ये सारे इल्म होने के बावजूद भी कि ये हमें जो है इस दुनिया से जाना है, ये सब हमें मालूम है, सब ईच वन ऑफ अस नोज कि हमारा जो टाइम है यहाँ पे एक लिमिटेड, येट उसके बावजूद भी पीपल आर अनप्रिपेयर्ड, हमने तैयारी नहीं की हुई. और हम अगर कहें ना कि शैतान को लेट्स गिव द डेविल हिज ड्यू, यहाँ पे कैसे लोगों को वो जो है ना अनप्रिपेयर्ड रखता है इस दिन के लिए. एंड ही रेन सुप्रीम ओवर हिज सर्वेंट्स एंड ही सेंड्स डाउन over you guardian until when death comes to one of you, our messengers takes him and they will not fail. To Allah Taala ne to muqarrar kiya hai farishton ko, farishte kis wajah se muqarrar kiye, hamari hifazat karte hain. Even aankhon ki hifazat ke liye Allah Taala ne bhi kitne farishte rakhe hue. To jab tak Allah Taala ke farishte hote hain koi hame jo hai nuksan nahi pahuncha sakta. Phir Allah Taala ne ek farishton ko muqarrar kiya hua hai ki hamari zindagi lene ke liye, to jab wo hamari zindagi lene ke liye aate hain to bhi hame koi bacha nahi sakta. हाँ, और फिर मामला वहाँ ख़त्म नहीं हो जाता, देन वी आर रिटर्न, जहाँ से हम आए थे वहीं वापस चले जाते हैं. तो यू नो मेकिंग अस हीडलेस, ये जो गफलत है ना मौत की, अपनी गफलत करना, ये बहुत ही बड़ा धोखा है शैतान का. शैतान हमें इसमें ना दुनिया में कांस्टेंट लगा के रखता है, वर्क ओनली फॉर द वर्ल्ड. वो ये कहता है कि दुनिया के लिए तो मेहनत करो, आखिरत जो है जन्नत जो है वो तो तुम्हारा बर्थ राइट है, वो तो तुम्हारा पैदाइशी राइट है, अल्लाह तुम्हें हमेशा ही देगा. तो हमारा दुनिया के अंदर जो फोकस है ना शुड ओनली बी ऑन वन थिंग, एक चीज़ के अंदर. दुनिया तो गुजर के तो जाना है ना, यहाँ से जन्नत जाने के लिए भी दुनिया क्रॉस करनी है, और वो क्या चीज़ है कि अल्लाह ताला को हम कैसे खुश कर लें. दैट्स द सिंगल फोकस दैट वी मस्ट हैव इन आवर माइंड.
वो आपने देखा है ना, कोई शख्स जो पहाड़ियाँ क्लाइंब करते हैं, ये जाके एवरेस्ट और हिमालयस वगैरह के ऊपर कैसे फोकस्ड होते हैं, उनकी आप कॉन्सेंट्रेशन देखें, वो क्या हमेशा अपने समिट को देख रहे होते हैं, हमें वहाँ पहुँचना है, चोटी पर पहुँचना है, और ज़रा उनकी तवज्जो, उनकी कॉन्सेंट्रेशन टूटी, एक गलत स्टेप उन्होंने लिया, इट लीड्स टू देयर डिस्ट्रक्शन। आई थिंक दैट्स हाउ आर फोकस शुड बी ऑन मेकिंग अल्लाह हैप्पी, कि अल्लाह को खुश करने के लिए इसी तरीके से हमारा फोकस होना चाहिए कि एक कदम भी ऐसा ना लें कि जिससे अल्लाह ताला ना खुश हो। और आप ये देखें कि जब इंसान इस दुनिया से जाता है, व्हेन डेथ रियली टेक्स प्लेस, तो उस वक्त कोई नहीं रिमेंबर ये सोचता कि वो हमने कितनी पार्टी की, कितना पैसा जमा किया, कितना मज़ा आया, कितने लोगों को खुश किया। जब टाइटैनिक डूब रही थी तो लोग जो थे इसके ऊपर नहीं थे कि कौन किस केबिन के किस लेवल के ऊपर था, हर आदमी जो था वो यही कोशिश कर रहा था मैं किसी तरीके से अपनी जान को बचा लूँ। एंड दैट्स एग्जैक्टली द मैसेज दैट दिस आयत इज़ टेलिंग अस। ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين then they are returned to Allah their true Rabb, without doubt he is the judgment and he is swift in taking account। So this is the beginning, this is also the end, ke ek jagah pe insaan khatam hota hai to dusri jagah kahin uski ibtida ho jati hai। Say who rescues you from the darknesses of the land and sea? You call upon him, imploring aloud and privately. If he should save us from this, we will surely be among the thankful। तो कभी कभी इंसान को देखें कि ये जो लाइफ एंड थ्रेटनिंग इनकाउंटर्स होते हैं, ऐसी सिचुएशंस होती हैं, तो लोग जो हैं फिर मुखलिस होकर अल्लाह ताला की तरफ दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत कर, हम ये वादा करते हैं कि अगर हम बच गए तो उसके बाद जो बाकी ज़िंदगी है वो हम बिल्कुल डिवोट कर देंगे तेरी राह के अंदर। और जब अल्लाह उनको बचा लेता है तो फिर वापस उनकी मोहब्बत और डिवोशन जो है वो अल्लाह से शिफ्ट होकर इस दुनिया और इस यानी कि और चीज़ों के अंदर हो जाती है। एक किस्सा आता है इकरामा का, वो जो ही वाज सन ऑफ अबू जहल, और जब फतह मक्का हुआ तो वो मक्का छोड़ के चला गया, और ही वॉज यू नो इस्लाम इट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू हिम। तो उसके बाद वो जो था एक किश्ती के ऊपर गया, और वो किश्ती जो थी वो जो व्हेन ही बोर्डेड दैट शिप, उसमें एक जो कहते हैं एक तूफ़ान के अंदर फंस गई। जब तूफ़ान में फंसी तो सारे लोग जो थे वो उनको ये यकीन हो गया कि अब ये किश्ती डूबने वाली है, तो उन्होंने सब ने अल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया इंस्टेड ऑफ देयर डाइटीज, हालांकि सब के बुद्ध जो थे वो काबा में पहले हुआ करते थे। तो उसने कहा ये तो बड़ी एक अजीब बात है कि ये लोग जो है ना लात को पुकार रहे हैं, ना मनात को पुकार रहे हैं, ना उज्जा को पुकार रहे हैं, कि ये जो हैं ये जो इनके खुदा थे इनको आके बचाएं, ये तो एक अल्लाह को पुकार रहे हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो उसी के बारे में हमें बताते थे कि हमें वो, और उसने ये वादा किया कि अगर मैं बच गया तो मैं वापस जाऊंगा और जाके इस्लाम कबूल कर लूंगा। एंड ही वाज सेव्ड, द शिप वाज सेव्ड, एंड देन ही कन्वर्टेड, एंड यू नो ही बिकेम सच अ इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर इस्लाम। से इट इज़ अल्लाह हु सेव्स यू फ्रॉम इट एंड फ्रॉम एवरी डिस्ट्रेस, देन यू एसोसिएट्स अदर्स विद हिम। तो अल्लाह ही है वो सबको बचाता है, अल्लाह ताला जो है वो हर एक को रिस्क भी देता है, और ये कि जब अल्लाह रिस्क अल्लाह दे रहा है और इंसान जो है वो अल्लाह ताला की जो बनाई हुई मखलूक है उसको अपना राजिक समझने लगती है। मदद अल्लाह देता है, मगर लोग जो हैं अक्सर जो हैं अल्लाह ताला का शुक्र नहीं अदा करते कि जब अल्लाह ताला हमारी ज़रूरियात को पूरी कर लेता है तो लोग जो हैं फिर बाकियों को कहते हैं ये हमारे कारसाज हैं, ये हमारे मददगार हैं, ये हमारी हिफाजत करने वाले हैं। से ही हैज़ द पावर टू सेंड पनिशमेंट ऑन यू फ्रॉम अबव और फ्रॉम अंडर योर वेरी फीट, और टू डिवाइड यू इन टू डिसएग्रीइंग फैक्शंस एंड मेक सम ऑफ यू टेस्ट द वायलेंस ऑफ अदर। सी हाउ वी एक्सप्लेन आवर रेवलेशंस इन वेरियस वेज सो दैट यू मे अंडरस्टैंड। तो मुख्तलिफ़ टाइप ऑफ अजाब हैं अल्लाह ताला के पास जो कि अल्लाह ताला भेजता रहता है, मुख्तलिफ़ पनिशमेंट्स हैं, कभी ऊपर से कभी नीचे से, कभी वो इंसान को फ़िरकों के अंदर कौमों को डिवाइड कर देता है कि एक और एक फ़िरका जो है वो इतना ताकतवर नहीं होता कि वो दूसरे को ख़त्म कर दे, तो आपस में हमेशा जिसको कहते हैं एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। वो एक बड़े सूफ़ी ताबेईन में से एक थे, एक साहब उनका नाम था सुफियान सौरी, उन्होंने एक दफ़ा ये कहा, उन्होंने कहा कि जब भी मैं कोई गुनाह करता हूँ तो मैं उसका अक्स जो देखता हूँ अपने रवैये उसके रवैये के अंदर, अपने जो ग़ुलाम हैं उनके रवैये के अंदर देखता हूँ, और जो मैं ये देखता हूँ कि जो मेरे पास जो एक गधा है जो कि वज़न उठाता है, मैं देखता हूँ कि ये सब जो है नाफरमान हो जाते हैं, कि गुनाह मैं करता हूँ मगर नाफरमानी इनके अंदर हो जाती है। और प्रोफेसर सल्लम ने भी इसी के ऊपर एक हदीस है, प्रोफेसर सल्लम ने फरमाया कि ये जो खसूसियात होती है ना तुम्हारे जो लीडर्स हैं उनकी, वो रिफ़्लेक्ट करती, वो अक्स होता है तुम्हारे अपने आमाल का, कि ये जो लीडर्स हैं वो एक शीशा है, इट्स द काइंड ऑफ अ मिरर, कि जिसमें है हम अपना जो है ना तस्वीर को देख रहे होते हैं। तो जैसे लोग होते हैं वैसे ही उनके अंदर वैसे ही उनके हुक्मरान भी आ जाते हैं।
तो अल्लाह ताला के लिए बड़ा आसान है, कभी ऐसे हुक्मरान हमारे ऊपर ले आता है कि जो कि जालिम होते हैं और जाबिर होते हैं, कभी अल्लाह ताला अजाब जो है वो नीचे से देता है, जैसे कि कारून को दिया। कारून जो था वो कज़न था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, कि ज़मीन जो थी वो खुल गई और वो उसमें धंस गया। और कभी कभी ये होता है कि अल्लाह ताला जो है वो ऐसा करता है कि हमारे जो मातहत हैं, हमारे नीचे होते हैं, वो ऐसे हो लोग हो जाते हैं जो कि बगावत होती है उनमें और डिसऑनेस्टी होती है, और वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि चीट्स होते हैं, लेज़ी हो जाते हैं। वकज़ब बिही कौमों का वहुवल हक़ कुल लस्तु अलैकुम बिवकील येट योर पीपल स्टिल रिजेक्ट इट इवन दो इट इज़ द ट्रुथ से आई हैव नॉट बीन पुट इन चार्ज ऑफ यू लिकुल नबा मुस्तकर्रुम व सौफ़ तालमून एवरी प्रॉफिट प्रोफेसी हैज़ इट्स फिक्स टाइम टू बी फुलफिल्ड यू विल कम टू रियलाइज दिस। तो हर पेशन गोई जो है, हर प्रोफेसी जो है कुरान ने बताई हुई है, दी भी है, वो आखिर में आके सच हो ही जाती है। और वो दिस इज़ ऑलवेज बीन ट्रू, इट बिकम्स ट्रू। कुरान ने ये प्रिडिक्ट किया था कि ये जो रोमन्स हैं वो जो है पर्शियंस को ओवरकम कर लेंगे। अगर आप सूरह रोम देखें, सूरह रोम के बिल्कुल शुरू की पहली आयत के अंदर ये आता है। जब ये आयत नाजिल हुई तो कुफार मक्का के जो थे वो हंसा करते थे, इसलिए कि जो उस ज़माने में पर्शियंस थे वो बिल्कुल डोमिनेंट थे रोमन्स के ऊपर। और उसके बाद फिर कुरान ने बताया मक्का की फतह, मक्का के बारे में, इस सुलह हुदैबिया के बारे में सूरह फतह के अंदर, कि कैसे मुसलमान जो हैं वो मक्का के अंदर जो हैं दाखिल होंगे, और वो भी है ट्रू हो गई। तो बहुत सारी ऐसी पेशन गोई हैं, दिस इज़ वॉट कुरान इज़ रेफरिंग ओवर हियर। एंड वेन यू सी दोज हु इंगेज इन डिस्कोर्स कंसर्निंग आवर वर्सेस देन टर्न अवे फ्राम देम अंटिल दे एंटर इन टू अनदर कॉन्वर्सेशन एंड इफ शैतान शुड कॉज यू टू फॉरगेट देन डू नॉट रिमेन आफ्टर द रिमाइंडर विद द रॉन्ग डूइंग पीपल। तो ये स्ट्रीट जिसको कहते हैं ना क्लियर कट हुक्म है, इंस्ट्रक्शंस हैं ईमान वालों के साथ कि वो ऐसी महफिल के अंदर ना बैठें कि जहाँ पे कि कुरान का, इस्लाम का, नबी का मजाक उड़ाया जा रहा हो, उस पर तंज किया जा रहा हो, आयात के ऊपर तंज किया जा रहा हो। और अगर हम इन एडवर्टेंटली ऐसी महफिल के अंदर बैठे हुए हैं तो फिर हमें उस महफिल से उठ के चले जाना चाहिए। इमाम राजी इस पर कहते हैं कि ये रियल इंटेंट है ना इस आयत का, वो ये है कि इंसान जो है कम्प्लीटली एब्सटेन करे, जिसको कहे ऐसी महफिलों में जाए ही नहीं कि जहाँ पे गुनाह होते हैं। हाँ, जहाँ पे भी गुनाह होता है ना कि अल्लाह के अहकाम टूट रहे, ऐसी महफिलों के अंदर बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहिए, ना जो उसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो उसमें शामिल हैं महफिलों के साथ, उनके साथ आप जो है ज़्यादा उनके साथ क्लोज भी नहीं होना चाहिए। दैट्स द बेस्ट रिकोर्स कि आप जो है उनसे अलग हो जाएँ एंड देन लीव देम अलोन। वमा अलल्लज़ीना यत्तकूना मिन हिसाबिहिम मिन शैइन वलाकिन ज़िक्रा लअल्लहुम यत्तकून। द राइटस आर नॉट इन एनी वे हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द रॉन्ग डूअर्स, देयर ओनली ड्यूटी इज़ टू रिमाइंड देम सो दैट दे मे बी माइंडफुल ऑफ अल्लाह। तो ये जिम्मेदारी जो है ये ईमान वालों की नहीं है कि हर दफ़ा हम जाके लोगों की तरदीद करें और उनकी जो बेकार ऑब्जेक्शंस हैं, उनके जो बेकार किस्म के एतराज़ात हैं, उन पे हम जाके उनको उसके ऊपर जाके कोई ना कोई उनसे हम एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दें। इंस्टेड हमारी ज़िम्मेदारी यही है कि भाई हम अपना टाइम लगाएं, लोगों को तालीम दें, ट्रेनिंग दें, उनको रिफॉर्म करें ताकि जो है वो सिंसियर हों और वो अमल भी अपना जो है दुरुस्त करें। लीव टू देम दोज हु टेक देयर रिलीजन फॉर अ मियर गेम एंड डिस्ट्रैक्शन एंड आर डिसीव बाय द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड बट कंटिन्यू टू रिमाइंड देम विद इट लेस्ट अ पर्सन बी गिवन अप टू डिस्ट्रैक्शन बाय व्हाट ही हैज़ डन ही विल हैव नो वन टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम अल्लाह एंड नो वन टू इंटरसीड whatever ransom he may offer it will not be accepted such are those who are destroyed by their own actions they will have boiling water to drink and a painful punishment because of what they used to defy to kaise insaan ko ye kehte na and these people are deceived by the life of this world to ye duniya ki zindagi insaan ko kaise dhoka deti hai aap dekh le ki ye kis tarah dhoka hota hai ki it changes our priorities hamari tarjeehat jo hoti hain wo bilkul tabdeel ho jati hain कि फॉर समथिंग सो फ्लीटिंग। आप दुनिया के बारे में अगर आप गौर करें कितनी फ्लीटिंग ये दुनिया है कि हमें ये पता नहीं कि हमारा अगला सांस आने वाला है या नहीं आने वाला। हाँ, मगर फिर भी इस दुनिया को इतनी अहमियत, इतनी अर्जेंसी दे देते हैं कि इस ऐसी आर्जी, ऐसी टेम्प्रेरी दुनिया को कि जहाँ पे अगले सांस का भी इंसान की कोई गारंटी नहीं होती, उसके ऊपर भी इंसान इतनी मेहनत कर रहा होता है। एक हमारी अगली जो है ना कि दिल की धड़क जो है वो ख़त्म हुई, बीट इज़ मिस्ड, द वर्ल्ड इज़ गॉन, इट्स गेम सेट मैच हिस्ट्री। हाँ, येट हम ऐसे यहाँ पे लगे हुए रहते हैं कि एज इफ वी आर गोइंग टू लिव फॉर एवर। वो जो एक स्लोगन है ना कि यू ओनली लिव वंस,
इस्लाम इसको करेक्ट करता है इस लोगों को. इस्लाम कहता है कि द लाइफ इज़ फॉर एवर, ज़िंदगी को हमेशा ऐसे हम गुजारें कि हमेशा हमेशा रहने वाली जो ज़िंदगी है उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करें. तो आप ये देखिए, उसके बाद कुरान इन्हीं के बारे में ये कहता है कि इन लोगों का हशर ये होगा कि जब वो पहुँचेंगे आखिरत के अंदर और दोजख के अंदर, कि उनको गर्म पानी पिलाया जाएगा और बड़ी तकलीफ दे उनको सज़ा दी जाएगी. और क्यों? बिकॉज दे यूज़ टू डिफाई. तो ये जो सिनर्स हैं, इसके बारे में भी इंसान को सोचना चाहिए कि ये रास्ता हम अडॉप्ट ना करें. वो एक हदीस आती है ना कि एक अगर जो शख्स गुनाह करके जो दोजख की आग के अंदर जाके जलता है, अगर उसको वहाँ से उठा के दुनिया की आग के अंदर डाल दें तो ऐसा उसको सुकून मिलेगा कि उसको नींद आ जाएगी. ये दुनिया में हम जलते हैं, देखते हैं कितनी तकलीफ दे चीज़ें, मगर ये दोजख की आग जो है ना, उसकी जो आग की आँच है वो इतनी ज़्यादा सख्त है. से इंस्टेड ऑफ अल्लाह, आर वी टू कॉल ऑन वॉट नाइदर प्रॉफिट्स नॉर हार्म्स अस, or are we to turn on our heels after Allah has guided us like someone bewildered having been tempted by the devil into the desert valley, though his companions call him to guidance, come to us, say Allah's guidance is true guidance, we are commanded to devote ourselves to the Rabb of the worlds. To yahan pe aap ye dekhiye, shaitan jo hai na logon ke paas jab aata hai to shaitan kis form ke andar aata hai. शैतान ये नहीं होता कि आएगा तो लोग देख सकेंगे कि उसके तो दो बड़े बड़े सींग हैं, एक लंबी सी पतली दुम है, हाथ में उसके कोई फोर्क है और मुंह से जब सांस लेता है तो आग निकलती है. वो आता है किस तरह? वो आता है एज़ आर वेल विशर, हमारा खैर ख्वाह बन के आता है. वो ऐसा बन के आता है कि हमें उस पर फ़ौरन एतमाद हो जाता है. मगर बात यह है कि असली शैतान जो है ना, वो असली शैतान तो हमारा अपना नफ्स है. ये बहुत ही, जिसको हमारा नफ्स जो है, बड़ी कॉम्प्लेक्स डिज़ायर्स होती है हमारी नफ्स के अंदर, बड़ी पेचीदा किस्म की ख्वाहिशात होती हैं. और शैतान क्या करता है कि सिर्फ वो तो सिर्फ हमें उकसाता है, वो तो सिर्फ सजेस्ट करता है दैट यू नो ही रीचेस टू आर इनर सोल. ये जो हमारी बड़ी अंदर की जो ख्वाहिशें होती हैं ना, अगर ये ख्वाहिशें नहीं हैं, अगर ये शौक़ हमारे अंदर नहीं है, अगर ये गुनाह हमारे अंदर नहीं है, तो शैतान का वसवसा जो है ना, इट विल मेक नो डिफरेंस, इट विल हैव नो अफेक्ट ऑन अस. बस जब इंसान के अंदर अपनी हवस होती है, उसके अंदर गुस्सा होता है, उसके अंदर एनवी होती है, हसद होता है, जेलिसी होती है, सुपरस्टिशन होता है, तो फिर शैतान जो है वसवसा डालता है एंड ही एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट. व अन अकीमुस्सलात व तकूम व हुवल्लज़ी इलैही तुशरून एंड टू एस्टैब्लिश प्रेयर एंड फियर हिम एंड इट इज़ ही टू होम यू विल बी गैदर्ड. तो ये तरीका है अपने इंसान को अपने आप की अपनी हिफाजत करने का शैतान के वसवसों से. वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ध बिल हक़ व यौम यकूलु कुन फयकून क़ौलुहुल हक़ व लहुल मुल्कु यौम युनफ़खु फिस्सूर आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा व हुवल हकीमुल ख़बीर. इट इज़ ही हु क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ फॉर अ पर्पस ऑन द डे व्हेन ही सेज़ बी इट विल बी हिज वर्ड इज़ ट्रू. All control on the day the trumpet is blown belongs to him. He knows the seen and the unseen and he is all wise, all aware. तो ये दुनिया जो है ये एक बड़ा एक काइंड ऑफ सीरियस अफेयर है कि आप ये देखें कि इसकी तख्लीक का जो है वो भी एक बहुत बड़ी हिकमत के ऊपर है और इसका जो पर्पज़ है वो भी बहुत ग्रैंड पर्पज़ है बिहाइंड ऑल दिस क्रिएशन. तो दुनिया की हर चीज़ यूनिवर्स के अंदर अगर हम देखें, इस कायनात के अंदर जो देखें, तो वो तो बेस्ड है किसके ऊपर? इंसाफ के ऊपर बेस्ड है. एक बिल्कुल कहते हैं ना एक वाइज एंड राइट लॉ के, अल्लाह ताला का जो कानून है वो भी एक हिकमत के ऊपर है और बिल्कुल सही कानून है. इसके अंदर कोई, जिसको कहते हैं नाइंसाफ़ी का, देर इज़ नो रूम, कोई गुंजाइश नहीं है कि नाइंसाफ़ी हो. इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन प्लानिंग एंड कोई चीज़ यहाँ पर जो है ना किसी हादसे की बेसिस के ऊपर नहीं. इट्स नॉट एन एक्सीडेंट और एक्सीडेंट बेस्ड ऑन एनी एक्सीडेंटल थिंग. सो बारकल्लाहु लना वलकुम फिल कुरान अल अज़ीम व नफ़ाना व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्र अल हकीम.